हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको लेके आई हूँ बैंगलोर के बैनरघट्टा नेशनल पार्क में। तो हम यहाँ के पार्किंग एरिया में हैं जो काफ़ी बड़ा है। एंड या गाइस, आज घूमते हैं बैनरघट्टा का ये ज़ू घूमेंगे हम लोग। सो गाइस, अभी हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं एंड क्योंकि हम वीक डेज में आए, इवनिंग में आए अराउंड 4 PM, तो हमें भी नहीं पता अंदर हमें एंट्री कितना मिलेगी अभी, नहीं हमें नहीं मिलेगी। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं। और यहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट है, चलो आपको वो दिखाते हैं। चलो आ जाओ। सो ज़ू सफारी की तरफ हम जा रहे हैं और लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज आई विल से द सेंटर पॉइंट। तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको बटरफ्लाई पार्क की तरफ जाना होगा और वहाँ पे टिकट अलग से लेना होगा। एंड आप देख सकते हो टिकट काउंटर ज़ू एंड सफारी के लिए। सो दिस इज़ बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आर पार्क आर रिस्पॉन्सिबल। ये पूरा पार्क का मैप यहाँ पे बना हुआ है ज़ू। तो चलो चलते हैं। मौसम बैंगलोर में बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों एंड क्राउड भी आज कम है क्योंकि वीक डेज है। तो चलो अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। सो हेयर यू कैन सी इट्स ऑनलाइन टिकट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट www.bannerghattabiologicalpark.org एंड आप यहाँ पे वॉक इन आकर भी टिकट ले सकते हो। तो सर गाइज, इट्स अराउंड 355 एंड हमें अब यहाँ पे एंट्री मिल रही है। सो यार, लेट्स गो। टिकट हमें मिल गया है। सो गाइज, फाइनली एंट्री हमने ले ली है और चल पड़े हैं। तो यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी अवेलेबल है इस तरह का। सो फाइनली बैठते हैं। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं ज़ू में एनिमल्स देखना। और सबसे पहले हमने देखा ये ज़ेब्रा, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इनका लंच टाइम चल रहा था। आई गेट डिजाइन बढ़िया है। और फिर हम बढ़ गए आगे की तरफ एंड यहाँ की ग्रीनरी नेचर को एंजॉय करते हुए अपना कार्ट एंजॉय कर रहे थे। बैक साइड पे मैं और शेष बैठे हुए थे और फिर हमें दिखा ये डायनासोर का स्टैचू जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आगे जाके हमने जो देखा इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। मतलब इतना करीब से टाइगर मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा होगा। इतना बार ज़ू चले गए हम लोग लेकिन कभी इतना करीब से नहीं देखा। इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ सफारी। इतना पास से हमने ये टाइगर देखा जो अच्छे से अपना वॉक कर रहे थे। तो यहाँ पे दो टाइगर हमने स्पॉट किए, एक अपना इधर ग्रास में था और एक जो मैंने आपको पहले दिखाया वो था, जो काफ़ी सही लग रहा था। उसके बाद हमने देखी ऑस्ट्रिच। आगे हम लोग आ गए कार्निवोरस एनिमल्स को देखने के लिए। ऑल्दो यहाँ हम लास्ट टाइम जब आए थे तब भी मुझे ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला था और आज भी उम्मीद कमी लग रही है। तो यार गाइस, चलो चलते हैं, शायद कुछ देखने के लिए मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे वुल्फ, हाइना और भी यू नो कार्निवोरस एनिमल्स हैं लेकिन इतना घास है और इतना यू नो अंदर वो शायद रहते हैं। उससे आगे आपको देखने के लिए मिलेगा बोटिंग एरिया। तो ये अंदर बोटिंग एरिया जहाँ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। बट अगर आप टाइम पे आए, मतलब पहले आए 5 बजे से पहले, तो आपको अंदर बोटिंग करने का मिल सकता है। मौसम अच्छा हो रहा था। बीच बीच में कांटे से उतर के हम लोग एनिमल्स को स्पॉट कर रहे थे एंड फिर हमने देखा ये हिप्पो जो आराम से पानी में रिलैक्स कर रहे थे, फुल लॉन्ग रिलैक्स कर रहे थे एंड हमने बहुत इन्जॉय किया इनको इस तरह इनको देखने में।
आगे बढ़ते हुए हमने देखा है ये एलिफेंट, ऑल्दो ये काफ़ी यू नो जाइंट एलिफेंट्स नहीं हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ये एलिफेंट्स थे, पूरा फैमिली ही लग रहा था एंड काफ़ी क्यूट लग रहे थे, इंजॉय कर रहे थे लोग, एक ने तो थोड़ा सा डांस भी किया एंड बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को इन एनिमल्स को इतना लाइव देख के। एंड श्रेष्ठ वो सो हैप्पी क्योंकि बच्चे जब भी एनिमल्स देखते खुश तो होते ही हैं। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, आगे और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। ऑल्दो हम ये सब इन्जॉय कर रहे थे लेकिन माइंड में था कि या लायन कहाँ है, हमें सबको लायन देखने का बहुत मन था, श्रेष्ठ जू में एंटर होते ही लायन एंड क्रोकोडाइल में इंटरेस्टेड था, तो पूरा आपको आई थिंक जब आप हाफ कवर कर लेंगे जू को आपको लायन तब उनका एरिया तब स्पॉट कर पाएंगे आप। तो आगे जाके हमने काफ़ी सारी प्यारी प्यारी सी बर्ड्स देखी जो बहुत सुंदर लग रही थी, कलरफुल थी, काफ़ी अच्छी उनकी आवाज़ें आ रही थी। फिर हमने देखे ये ब्यूटीफुल से क्यूट क्यूट से टर्टल्स टॉर्टोइस एंड फिर हम आ गए आगे, मन नहीं भर रहा था हम लोगों का लायन देखने का, तो लायन देखने के बाद हम फिर से आ गए एंड हमने देखा ये यहाँ पे लेपर्ड जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे यार, मतलब कैमरा में इतना इनका जो ब्यूटी है वो कैप्चर नहीं हो पा रही है, बट सीरियसली रियल में देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर थे, प्लस ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। सो गाइज ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ जू आ गया है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।